आत्मा, माँ माँ आप परेशान क्यों हैं? माँ बताइए ना मुझे। हॉस्पिटल का सीसीटीवी का फुटेज जिस किसने डिलीट किया? लेकिन वो फुटेज तो डिलीट हो गई है ना माँ, और आपको उससे करना क्या है? अरे हमें लगता है ये हो गया वो हो गया, लेकिन वो लड़की वही सारे काम उल्टा कर देती है। केतन, जिस किसने भी ये काम किया है ना, उसकी पुलिस पूछताछ करने वाली है, तो तू उस आदमी को अपना मुंह बंद करने को बोल। अगर उसने अपना मुंह खोल दिया तो सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो खोलेगा ही नहीं मुंह, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं कह रही हूँ ना, तू उसे फोन कर, कर तो कर। अलादीन, मिसेस मेहता का चेहरा तो देख लाया था जब मैंने उनसे कहा कि इंस्पेक्टर अंकल सीसीटीवी फुटेज के बारे में पता कर रहे। बस अलादीन, कहीं कोई सबूत मिल जाए उनके खिलाफ ताकि मैं उन्हें सजा दिलवा सकूं। पता है, आज दिन भर मैडम ए कंपनी के बारे में पता लगाने के लिए यहाँ से वहाँ तक भाग रही थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या, वापस आई एक नाम के साथ, कबीर, और तब से लेके अब तक कबीर फ्रॉम ए कंपनी को ढूंढ रही है। थैंक यू सो मच कबीर। आई मीन अलादीन, ए कंपनी को शुरू करने से लेकर सक्सेसफुल बनने तक सब में तुम्हारा हाथ था, सिर्फ तुम ही ये सब कर सकते थे। थैंक यू, बट इट ऑल कम्स विद एन आईडिया, और वो आईडिया तेरा था। हाँ अलादीन, पर मैंने सिर्फ तुम्हें बोला था, बाकी सब तुमने अकेले ही किया। ये तो मुझे करना था अपनी, कि आयशा जी के पराठों का कर्ज उतारना था। ऐसा लगते और इमोशनल नहीं हो सकते हो। चलो। अरे सुन, तुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया मैं। एक्सीडेंट के बारे में जो तेरा शक है ना, वो बिल्कुल ठीक है। मैंने एक्सीडेंट वाले स्पॉट का इन्वेस्टिगेशन किया, एंड आशा के साथ जो भी कुछ हुआ है उसकी शुरुआत तो हॉस्पिटल के पहले ही हो चुकी थी। मतलब ऐसा क्या पता चला तुम्हें? मैंने एक्सीडेंट वाली जगह पे जाके पता किया, वहाँ पे कोई टैक्सी स्टैंड है, वहाँ के ड्राइवर्स ने मुझे बताया कि हाँ एक्सीडेंट तो हुआ था पर शायद वो एक्सीडेंट नहीं था, वरना क्यों कोई गाड़ी सिग्नल तोड़ के रॉन्ग साइड जाएगी और सिर्फ आशा की गाड़ी को क्रैश करेगी। क्या? मैंने वहाँ के लोगों से बात की और उनसे कहा है कि एक्सीडेंट वाले ड्राइवर के बारे में पता करें। आई रियली होप कि हमें कुछ ना कुछ जल्दी मालूम पड़ेगा। हाँ अलादीन, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, हमें ये इन्फॉर्मेशन पुलिस अंकल को कल ही देनी होगी। माँ प्लीज अपना बीपी मत बढ़ाओ, वो भी इस उम्र में। अब पापा तो रहे नहीं, कल को अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा, विश्वास करिए मुझ पे। अरे विश्वास को छोड़ो, पुलिस इंक्वायरी शुरू होती है ना तो कोई किसी का विश्वास नहीं करता। तू वो तेरे सिक्योरिटी वाले दोस्त को फोन करता रहे, नहीं तो तू उसके घर जा। हाँ, अगर उसने मुंह खोला ना पुलिस के सामने। हाँ वो मेरा दोस्त नहीं है, मैंने उसको बहुत सारे पैसे दिए थे, इसलिए वो पुलिस के सामने मुंह नहीं खोलेगा। और अगर उसने मुंह खोला तो? और वैसे भी केतन भाई, आज तक आपका हर एक काम आधा अधूरा ही तो रहा है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा नहीं है ना, है ना? अच्छा, और तेरा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत सही है, जेल तो तुझे जाना चाहिए, मुझे मालूम है। हमारे घर से बिल्लियां ही नहीं, फार्म हाउस से खरगोश, और एक साल तक जो तूने वो मरी हुई चिड़िया रखी हुई थी अपने ड्रॉअर पे, वो उसका क्या? बोल। चुप हो जाओ तुम दोनों। एक तरफ वो कबीर जो मुझे मेरे बिजनेस में नुकसान पहुंचा रहा है,
दूसरी तरफ अमनी जिसने मेरे ही हाथों मेरी केस खुलवा दी और ऊपर से तुम दोनों और वो ऊपर मेरा बेटा जो हर वक्त शराब के नशे में धुत रहता है, उसे किसी चीज का ध्यान नहीं है, होश नहीं है, अपने ही कमरे में देवदास बनकर घूमता रहता है, बाहर तक नहीं आता। हे भगवान, हे भगवान, पिछले जन्म मैंने क्या किया है, कौन सा पाप किया है जिसकी सजा तुम मुझे इस जन्म में दे रहे हो, बताओ मुझे। तेरे उस सिक्योरिटी वाले दोस्त ने अगर उसका मुंह खोला ना तो कुछ नहीं कर पाएंगी आप क्योंकि आप तो जेल में होंगी। जेल? भाई दीक्षा क्या बोल रही है? तुझे सब जानने की जरूरत नहीं है। ओए, क्या हुआ? कुछ नहीं, केविन आ गया। हाँ चल। इंस्पेक्टर अंकल, क्या हम अंदर आ सकते हैं? प्लीज आओ आओ बैठो। कैसे हो? गुड गुड। अच्छा हुआ तुम आ गई हो नी, मुझे एक जरूरी इंफॉर्मेशन देनी थी तुम्हें। नहीं बेटा, कुछ बताना था तुम्हें केस के बारे में, पर नहीं। नहीं अंकल, ये मेरे दोस्त भी है और फैमिली भी, आपको जो कहना है आप कह सकते हैं। खबर अच्छी नहीं है बेटा, सीसीटीवी फुटेज के गायब होने की सच्चाई के बारे में हमने हॉस्पिटल के स्टाफ से पूछताछ की, कड़ी पूछताछ, हॉस्पिटल के सिक्योरिटी हेड से भी, लेकिन हमें पता चला कि ये सब कुछ कंप्यूटर की गड़बड़ी से हुआ है, ना कि किसी ने उस फुटेज को गायब किया। तुम्हारी मम्मी के मरने के वक्त का ही सीसीटीवी फुटेज नहीं, पूरे दिन का सीसीटीवी फुटेज रेस्ट है। अंकल, अब हम केस पे आगे कैसे बढ़ेंगे? फिलहाल तो पता नहीं बेटा, लेकिन कोई मजबूत सबूत नहीं मिला तो मिसेस मेहता प्रेशर बना सकती है केस बंद करने के लिए। सर, हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते, हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा और है जिससे हमें कोई सबूत मिल सकता है। वो एक्सीडेंट, हाँ बोलो। अरे साहब, आपने जितने पैसे दिए थे उसमें मेरा और क्या बाकी लोगों का भी मुंह बंद हो गया। पुलिस ने मान लिया कि कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ी थी, किसी को कुछ पता नहीं चला। साहब आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, ठीक है, रखता हूँ सर। मैं करता हूँ फोन। बोल तो सही, क्या हुआ? माँ, मैंने कहा था ना आपको कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। और सब कुछ आपके हिसाब से हुआ है, पुलिस ने छानबीन की थी लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। हे प्रभु, तेरी कृपा अपार है। एक्सीडेंट के बारे में क्या बता रहे थे तुम लोग? अंकल, हमें शक है कि मम्मा का एक्सीडेंट हुआ नहीं था बल्कि किया गया था, वो भी प्लान करके। वो कैसे, डिटेल में बताओ। अंकल, जहाँ पर मम्मा का एक्सीडेंट हुआ था हमने वहाँ पर पूछताछ की, वहाँ पास ही में एक टैक्सी स्टैंड है, हमने वहाँ के ड्राइवर्स से पूछताछ की, उन्होंने कहा कि उनके हिसाब से वो एक्सीडेंट नहीं था क्योंकि ना ही वो गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ था और ना ही सिग्नल ग्रीन था। अब इतने ट्रैफिक में एक कार बीच रास्ते में क्यों आएगी,
और अगर आएगी भी तो सीधा मम्मा की गाड़ी को ही क्यों टकराएगी? सर इसीलिए हमें लगता है कि ये एक सोची समझी साजिश है आयशा का मर्डर करवाने की। बात में तो दम है सरदार जी, इस पर तो तहकीकात होनी चाहिए। मैं अभी निकलवाता हूं इस केस की पूरी इंफॉर्मेशन, कौन था उस टैक्सी का ड्राइवर और FIR दर्ज हुई भी थी कि नहीं। गाड़ी काट। अरे हितल वो ढोकला छोड़ और अंदर जो मैंने मोतीचूर के लड्डू बनाए हैं वो लेकर आओ मेरे केतन के लिए, उसे बहुत पसंद है। तुझे सुनाई कम देता है, जा। जी। ले, तुझे पसंद है ना, तभी तो बनाया है तेरे लिए, ले। देखो ये लड्डू सिर्फ मेरे केतन के लिए, इसमें से किसी को कुछ भी नहीं मिलने वाला। हाँ पल में तोला पल में मासा। तूने कुछ कहा? नहीं माँ कुछ नहीं, मैं भी आई। ले कितनी गलत थी मैं, तुझ में खरगोश ढूंढ रही थी, समझ में नहीं आया कि तू तो मेरा जीतने वाला कछुआ है। तो क्या हुआ थोड़ी देर हुई तो कम से कम तू उस खरगोश की तरह सोता तो नहीं रहा? ले वो नहीं, ऐसे कैसे, इतने में तेरा मन भर गया? क्यों माँ के हाथ के लड्डू अच्छे नहीं लगते? वाह वाह ना, अच्छा आ ले खा।